हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन रोज़। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर कलेक्शन 2022 की, जो कि बहुत अमेजिंग ब्यूटीफुल सी विंटर की कलेक्शंस हैं। इसमें आपको हर कलेक्शंस और विंटर कलेक्शंस देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत ब्यूटीफुल भी हैं और स्टाइलिश भी अमेजिंग हैं। ये विंटर के सॉक्स हैं और ये स्टाइलिश सॉक्स हैं कि हम बाहर जाने के लिए या फिर घर में भी कैरी कर सकते हैं, जो कि बहुत अमेजिंग लगती हैं स्टाइलिश सॉक्स। इसी तरह ये हमारे बेबीज़ के लिए सॉक्स हैं, जो कि हमारे बेबीज़ को गर्म भी रखते हैं, सर्दियों से बचाते भी हैं और बहुत ब्यूटीफुल भी लगते हैं। ये बेबीज़ के सॉक्स हैं, जो इससे शूज़ पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ब्यूटीफुल से सॉक्स हैं और लगते भी बहुत प्यारे हैं हमारे बेबीज़ के। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल से कलेक्शंस हैं सॉक्स की। इसी तरह ये हमारे कैप्स की कलेक्शंस हैं, जो कि गर्ल्स के लिए हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं और डिफरेंट कलर्स में हैं, डिफरेंट डिज़ाइन में हैं, बहुत अमेजिंग लगती हैं। देखें, ब्लैक में हैं। देखें, ये कैप्स एक डिफरेंट सा लुक देती है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं और स्टाइलिश भी हैं, पहने हुए भी बहुत प्यारी लगती हैं। और ये इसी तरह ये हमारे बेबीज़ के लिए कैप्स हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट लगते हैं इनमें बेबीज़। ये हमारे बेबीज़ को गर्म भी रखती है और बेबीज़ स्टाइलिश भी लगते हैं, तो ये हमारे बेबीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि बेबीज़ सर्दियों से बचाते हैं ये बेबीज़ को। बहुत ब्यूटीफुल से कैप्स के कलेक्शंस हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कलेक्शन ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें, इसी तरह हमारी ग्लव्स की कलेक्शंस हैं, जो कि हमारी गर्ल्स के लिए हैं, जो घर में भी कैरी कर सकती हैं, बाहर आने जाने के लिए भी कैरी कर सकती हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल सी लगती हैं। ये हमारी गर्ल्स की जो कलेक्शंस हैं ग्लव्स की, ये भी बहुत ब्यूटीफुल सी हैं कलेक्शंस, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट स्टाइल्स में हैं। इसी तरह ये हमारे बेबीज़ के लिए ग्लव्स हैं, जो कि छोटे बेबीज़ होते हैं उनके लिए। और इसी तरह ये हमारे किड्स के कलेक्शंस हैं, जो स्कूल जाने वाले हैं उनके लिए हैं। और अगर आपको विंटर की कलेक्शन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।